इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने केवीएस को लेकर के जितने भी कमेंट्स किए वो सारे मैंने रीड किए, और उसको रीड करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप लोग कितना परेशान हैं। पहली चीज़ कि आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। 26 तारीख आपका 26 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाने चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही, तो आप लोगों के पास टाइम है और आराम से 2-4 दिन वेट करके सारी चीज़ों को समझने के बाद, हर सोर्सेज से जान लेने के बाद, और एक बार खुद आप लोग नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर लीजिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिए। तो पहली चीज़ मैं आपसे बस इतना कहूँगी, प्लीज़ आप लोग इतना परेशान मत होइए फॉर्म को फिल करने को लेकर के, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इतना परेशान इसलिए है क्योंकि 1500 का आपका फॉर्म है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो करेक्शन की कोई चांसेस नहीं है, और अगर आप अगेन फॉर्म फिल करते हो तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। शायद इसी चीज़ को लेकर के आप लोग ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन जब आप फॉर्म अपना सही से फिल करोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि KVS PRT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, जिसको देखा मैंने, बहुत सारे कमेंट्स आए, और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के भी बहुत सारे कमेंट्स आए, तो इन दोनों टर्म्स पर हम बात करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपको ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो KVS PRT के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका 50% इंटरमीडिएट में हो, प्लस उसके साथ ही आपका DLED हो, DLED जो कि हम लोग BTC के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका 50% इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है अगर आपका 12th नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी जो होती हो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपका BLED होना चाहिए जो कि 4-year डिप्लोमा होता है, आप लोगों को पता होगा, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर आपका ये भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका 50% इंटरमीडिएट में होना चाहिए और उसके साथ जो आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, स्पेशल एजुकेशन वाला, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस BA डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरी मार्कशीट नहीं आई, ये वो, तो उन सभी लोगों से मुझे बस इतना कहना है कि जो आपका मार्कशीट है या जो आपका सर्टिफिकेट है उसको 26 दिसंबर के पहले वो आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो मतलब अवेलेबल हो जाना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 26 दिसंबर ही आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह का लास्ट डेट है, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करते हो, KVS नहीं, कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है वो फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए, और ये कोई नया रूल नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा होता आया है। तो आई होप अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होगे दैट आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए PRT के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ आपका CTET प्राइमरी यानी CTET पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के पूछ रहे थे दैट CTET में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो हम आपको बता दें, OBC का जो या SC ST का जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दैट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये सारी चीज़ें, तो इसको बनवाने में 8 से 10 दिन लगते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने कहीं भी आसपास घर के जो जन सेवा केंद्र होता है वहाँ पर जाइए, अपना पुराना वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला, और आधार फोटो ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाइए, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए और वो आपका अप्लाई कर देंगे और 8 से 10 दिन में बन जाएगा। एक्चुअली होता है क्या, उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफार्मा, इसका मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था, एक्चुअली इंस्टा पे ही मुझे किसी ने सेंड किया था तो मैंने इसको शेयर किया है आप लोगों के साथ, और आप लोग देख लीजिए वहाँ पर जाकर के। इसके अलावा और उसमें क्या होता है कि आपके DM या डिप्टी कमिश्नर की सिग्नेचर होती है, मोहर सील वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, जनसेवा केंद्र से। अगर आप खुद तहसील जा सकते हैं वहाँ से भी आप किसी वकील से या लेखपाल से कॉन्टेक्ट करके करवा सकते हैं, बाकी अगर आप खुद चाहें तो खुद भी ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम आपका नहीं यूज़ होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा, तभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर के फॉर्म ना भरना या फॉर्म भरने में डर लगना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है।
और आराम से रिलैक्स होकर फॉर्म भरिएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट आपकी फ़ोटो। आप अपनी एक लेटेस्ट पिक पासपोर्ट साइज़ क्लिक करवा लीजिए और उसको रख लीजिए, क्योंकि वही फ़ोटो आपकी लास्ट तक का, इंटरव्यू तक का काम आएगी। तो फ़ोटो आपकी मस्ट है। फिर भरने में फॉर्म कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मुझे पता है कि अब तक आप सभी ने जान लिया है, लेकिन मैं आपको एक बार अगेन बता देती हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, आधार, आधार का मतलब होता है कि आपका एक भी आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है। आधार हो गया, अगर आप आधार यूज़ करते हैं। ईमेल आईडी और नंबर आपको परमानेंट वाला यूज़ करना है, ऐसा नहीं यूज़ करना है जो आपका एक्टिव ना हो या बंद हो गया हो या कुछ ऐसा। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही फ़ोन नंबर यूज़ करिए। और फ़ोटो वगैरह हो गई, फिर आप मार्कशीट अपनी सारी रखिए ही, मार्कशीट ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई जो कि नॉर्मल फॉर्म भरने में हमें यूज़ करना होता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आई, क्योंकि हम लोग स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अगर देते हैं, स्टेट लेवल में ही फाइट करते हैं कॉम्पिटिशन, तो फिर हम लोग नहीं बनवाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा नया लग रहा है आप लोगों को, बट ऐसा कुछ नहीं, आप लोग आराम से पुराने वाले के थ्रू अपने आसपास कहीं भी जा करके बनवा सकते हैं। और इसको बनवाने में 8 से 10 दिन लगेगा, और आप अब तब तक 2-4 दिन में अपना सारा कुछ क्लियर करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और एक चीज़ और, लास्ट डेट में जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो लास्ट डेट में फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया होगा। और अगर अभी भी कोई क्वेरीज है PRT को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, TGT, PGT, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करिएगा, और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही या नहीं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ बाय कर ली है, उस पर KVS का जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर दिया हुआ है। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगी, आप लोग एक बार ऐप इंस्टॉल कीजिए, और आप उसमें बहुत सारे फ्री में टेस्ट अवेलेबल हैं, आप फ्री वाले टेस्ट सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है और इसका फ़ायदा मुझे लेना चाहिए, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिए, दैट इज़ STET। बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फ़ायदा भी उठाया है, और आप लोग भी कर सकते हैं, STET यूज़ करिए, और आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 1 ईयर पास है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो उसके बाद मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग एक बार पूरा ऐप, जो पूरा ऐप ही डाउनलोड होगा, टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग फ्री वाले टेस्ट देकर देख लीजिए। उसमें लिखा होता है दैट फ्री टेस्ट, मतलब जो बिना किसी पैसे के आपको देना होता है, तो सेक्शनल या टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपको, मतलब फुल टेस्ट KVS को लेकर के या CTET को लेकर के, जो भी आपको देना हो वो आप लोग एक बार दीजिए अपना एनालिसिस के लिए। आप लोग देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, अगर सच में अच्छा लगता है या आप लोगों को लगता है दैट आपके लिए यूज़फुल है, और तो आप लोग आपकी टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए, और एक्चुअली मेरा कोड यूज़ करेंगे, देखिए बहुत सारे लोग बाय करते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सबको रिप्लाई करूँ, और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं।